आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज हार्मफुल मटेरियल्स एडेड टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड। हमारे एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल मटेरियल्स ऐड किए जाते ऐड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, सीवेज कहते हैं या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं? तो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्यों होता है? पॉल्यूशन इज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन हमारा क्यों होता है? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स, ठीक है। और ये हार्मफुल मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? ये हार्मफुल मटेरियल्स हमारे कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। दीज आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल पॉल्यूटेंट्स के क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पर्टिकुलेट सब्सटेंसेस हो गए, सूटी पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड हो गया, ये मेन रीजन होता है एसिड रेन के। तो ये ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि जब हमारे एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं तो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो हार्मफुल मटेरियल्स एडेड टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।